2022 की T20 विश्व कप की कड़वी यादों को भुलाने के लिए रोहित की सेना उधेड़बुन में जुटी थी कि इसी बीच ICC ने दे दी ऐसी खुशखबरी कि भारतीय क्रिकेट फैंस खुशी से उछल गए। सेमीफाइनल के मुकाबले से पहले भारत को मिल गई दो इतनी बड़ी खुशखबरी कि अब भारत का विश्व कप जीतना लगभग तय है। T20 विश्व कप में भारतीय टीम जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। भारतीय टीम के बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग लाजवाब है। यही वजह है कि अभी तक न सिर्फ ग्रुप स्टेज के मुकाबलों में बल्कि सुपर 8 के सभी मुकाबले जीतकर भारत अब तक अपराजेय रहा है। भारत ने पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को धूल चटाई है, लेकिन इस बीच सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऐसी टीम के साथ होने जा रहा है जिस टीम के साथ उसकी यादें बहुत अच्छी नहीं रही। 2022 में T20 विश्व कप का सेमीफाइनल का मुकाबला भारत ने इंग्लैंड के साथ खेला था और उस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से बुरी तरह पराजित कर विश्व कप से बाहर कर दिया था। ऐसे में इस बार इंग्लैंड को पटकनी देने के लिए रोहित की सेना पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम ने जबरदस्त तैयारी की है, लेकिन इस बीच ICC की तरफ से दो ऐसी खुशखबरी सामने आई जिसने भारतीय टीम की बांछे खिला दी। भारतीय टीम के फैंस खुशी से झूमने लगे। इससे पहले कि आपको बताएं कि वो दो फैसले कौन से हैं, इससे पहले आपको बता देते हैं कि नॉकआउट मुकाबलों में हालिया समय में भारत का रिकॉर्ड कैसा रहा है। अगर नॉकआउट मुकाबलों की बात करें तो नॉकआउट मुकाबलों में 2013 के बाद से भारत का रिकॉर्ड बेहद डराने वाला है। 2013 के बाद टीम इंडिया ने ICC टूर्नामेंट के 9 नॉकआउट मुकाबले खेले और सब में उसे हार मिली। 2013 के बाद टीम इंडिया ने ICC टूर्नामेंट के 4 सेमीफाइनल और 4 फाइनल खेले हैं और हर बार टीम हारी है। टीम इंडिया का ICC ट्रॉफी जीतने का इंतजार 11 साल का हो गया। इस दौरान टीम एक दो बार नहीं बल्कि 9 बार ट्रॉफी के करीब पहुंचकर चूक गई। टीम इंडिया की आखिरी ICC ट्रॉफी MS धोनी के नेतृत्व में साल 2013 में आई थी, जब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड को पटकनी देकर भारत चैंपियन बना था। तब से भारत का इंतजार अब तक अधूरा है। अब आपको बताते हैं ICC के वो दो फैसले जिसने भारतीयों की खुशी बढ़ा दी है। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला वेस्टइंडीज के गुयाना में खेला जाना है। गुयाना में लगातार बारिश हो रही है और मैच के दौरान भी बारिश के आसार हैं। बावजूद इसके सेमीफाइनल मुकाबले के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया, लेकिन ICC ने रिजर्व डे न होने की वजह से एक नियम लागू किया है। उस नियम के मुताबिक सुपर 8 में पहुंचने वाली टॉपर टीम अगर बारिश की वजह से मुकाबला धुल जाता है तो फाइनल के लिए क्वालिफाई मानी जाएगी। यानी अगर इंग्लैंड के खिलाफ बारिश होती है और मुकाबला नहीं हो पाता तो भारत सीधे फाइनल पहुंच जाएगा। अब दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है, भारतीय टीम का सबसे बड़ा विलेन इस बार भारत और इंग्लैंड के मुकाबले में मौजूद नहीं रहेगा। जी हाँ, सेमीफाइनल मुकाबले में रिचर्ड कैटलबोरो भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबले में अंपायरिंग नहीं करेंगे। ये भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ICC के सबसे बेस्ट अंपायरिंग पैनल में शामिल रिचर्ड कैटलबोरो भारत के लिए सबसे अभागे अंपायर रहे हैं। जब जब कैटलबोरो बड़े मुकाबलों में अंपायरिंग करते हुए नजर आए, तब तब भारत को हार का सामना करना पड़ा। याद कीजिए 2023 में विश्व कप का फाइनल मुकाबला हो या फिर 2019 का सेमीफाइनल मुकाबला, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले की बात हो या फिर 2014 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, हर बार रिचर्ड कैटलबोरो की अंपायरिंग में भारत को हार मिली है। लेकिन ICC ने इस बार सेमीफाइनल मुकाबले में रिचर्ड कैटलबोरो को बाहर रखा है। इस खबर के बाद भी भारतीय फैंस जबरदस्त खुश है। खुद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं और अब सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले से पहले इन दो खुशखबरियों ने भारतीय फैंस का भरोसा और बढ़ा दिया है। अब भारतीय क्रिकेट फैंस दुआ कर रहे हैं कि इस बार नॉकआउट मुकाबले में फिसलने का दुर्भाग्य अब खत्म हो जाए। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।